मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह के 6 बजे तक मेरे जो सुबह का छोटा मोटा काम होता है, झाड़ू पोछा, कपड़े भी मशीन में मैं लगा दी, झाड़ू पोछा हो चुका है, फ्रेश भी हो गई हूँ और किचन में आकर के आटा भी गूंथ दी हूँ। दाल तड़का को उधर तैयारी भी हो गया है। दाल तड़का के लिए अदरक और लहसुन कद्दूकस कर ली, प्याज छोटा छोटा काट ली, टमाटर, धनिया पत्ता, मिर्च सब कुछ रेडी है, आटा भी गूंथ ली। फिर मैं कढ़ाई तवा दोनों साथ में चढ़ाऊंगी, क्योंकि दाल तड़का और रोटी दोनों मैं साथ में बनाऊंगी। आज मुझे जल्दी किचन का काम फिनिश करना है, क्योंकि बाहर का काम आज का ज्यादा है। प्याज फ्राई होता है तब तक मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। और दाल तड़का के लिए मैं यहाँ पे चना दाल और हरा मूंग बॉईल पहले ही कर ली थी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप प्लेटफॉर्म में रोटी बनाते हैं, उसमें जंग्स होते हैं, कि देखिए मैं प्लेटफॉर्म को ना 3 बार मैं सर्फ से धुलती हूँ। जब भी मैं नाश्ता बना लूंगी अभी तो ये सर्फ से धुल जाएगा, फिर लंच बनाऊंगी सर्फ से धुल जाएगा। प्लेटफॉर्म वैसे गंदा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो चौका है ना वो स्टील का है, जो खटखट आवाज करता है, इसीलिए मैं चौका में नहीं बेलती हूँ। और कोई ढंग का चौका मुझे समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। लकड़ी का मुझे पसंद नहीं है, पत्थर का लू क्या का लू नहीं मुझे पता। और हाँ, खटपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी मतलब ऑनलाइन अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कहीं ऐसा चौका है तो आप लिंक मुझे भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे पसंद आएगा तो मैं ले लूंगी। मैं सोच रही चौका ले लूं, लेकिन खिटपिट आवाज भी नहीं होना चाहिए। बनाए तो थे रोटी दाल तड़का, लेकिन हस्बैंड की स्पेशल फरमाइश थी नहीं चावल के साथ दाल तड़का खाना है। तो चलो ठीक है, सुबह सुबह नाश्ते में 7 बजे खा रहे चावल। 7 बजे कौन चावल खाता है? मुझे मजा आता है। आपको मजा आता है? हाँ। चावल खाने के बहुत शौकीन है, रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और दाल तड़का है ना इसीलिए ये चावल साथ में लेना पसंद कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे क्या ये टूल में खाना परोस रही है, तो अभी सब कुछ हम लोग होल्ड पे करके रखे हैं। हम लोग एक अच्छा सा टेबल लेंगे खाना खाने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल कुछ महीने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा खर्च हो चुका है इस वजह से। और हाँ, लेकिन कुछ महीने के बाद जब शॉपिंग होगी घर के लिए सामान के लिए, तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है। जैसे बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि कब मैं किचन का जो प्लास्टिक का ड्रम है वो चेंज करूंगी, और टेबल लाना है, कुछ डेकोरेशन का, यहाँ टीवी यूनिट के लिए सामान लाना है, बहुत कुछ करना है, बाहर का गेट में पेंट भी करवाना है। ये देखिए, आपको ऐसे ब्लॉग में दिखता होगा कि ये गेट कितना गंदा है, ये गंदा नहीं है, इसका पॉलिश हट गया है, तो इसको कलर भी करवाना है। मिस्टर कम से कम गेट को पॉलिश तो करवा लीजिए, वो तो करवा ही सकते हैं ना। सब कराएंगे, थोड़ा टाइम दो। तो कहते हैं सब एक साथ करवाएंगे, ठीक है, तो कुछ मैंने वेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं हस्बैंड को ऑफिस भेज देती हूँ, फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। मशीन में मैं कपड़े धो रही थी और सुबह पानी चला गया, सिर्फ 3 बार ही खंगाली हूँ, और अभी 8 बजे पीने का पानी आया है, तो एक बार मैं और धो देती हूँ, क्योंकि 4 बार मैं टोटल खंगालती हूँ। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि मुझे इस नल से पानी पीने का लेना पड़ता है कपड़ा धोने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही मैं कपड़े अच्छे से खंगाल दूँ और सुबह सुबह ही मैं कपड़ा डाल दूँ। आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, जब से मैं नॉर्मल डाइट में आई थी मेरा वज़न बढ़ता जा रहा था, पेट भी काफ़ी निकल गया था, लेकिन अब मेरा पेट काफ़ी हद तक अंदर चला गया, पता ही नहीं चलता है कि मेरा पेट निकला भी था। तो ये मैं दही मंगवाई हूँ, मुझे मसाला पुलाव आज बनाना है, तो उसमें मैं दही यूज़ करूँगी। तो सोच रही हूँ कि जब घर में दही आ ही गया, ऐसे भी जब भी घर में दही आता है तो मैं 1 चम्मच ज़रूर अपने लिए निकालती हूँ स्किन केयर के लिए। ये मैं थोड़ा सा दही ले ली और ये थोड़ा सा बेसन, तो इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको स्किन पे लगा करके मैं कपड़े भी बालकोनी में डालूंगी, तो 2 काम हो जाएंगे, फेस पैक भी लगाना हो जाएगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, आप लोगों को सूट करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता, पर सबसे ज़्यादा मुझे ये सूट करता है। और एक करते हैं मुल्तानी मिट्टी के साथ लौंग कपूर मिक्स करके, लग गया फेस पैक। अब आगे का काम निपटाती हूँ फेस पैक लगाते हुए।
वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का एक फ़ायदा ये होता है कि कपड़े आधे तो सूख जाते हैं मशीन में, ऊपर से गर्मी का मौसम है तो सिंपल सा 2 से 3 घंटे लगेंगे कपड़े सूखने में। और मेरे अरमान है ना कि मैं ना यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बनाऊँ, और जब मैं यहाँ छोटा सा गार्डन बनाऊँगी तो नो डाउट यहाँ कपड़े डालने में बहुत गंदा लगेगा देखने में, तो मैं कपड़े डालने का काम मैं बेडरूम का जो खिड़की है वहाँ पर मैं इंतज़ाम कर दूँगी कपड़े सुखाने का। नहा ली हूँ, नहा धोने के बाद मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है क्लास के लिए। मेरा क्लास जो होता है वो लंच के बाद होता है, लेकिन आज सर बोले कि नहीं लंच से पहले आपका क्लास ले लेते हैं। फेस पैक लगाई हूँ, कितना सूट कर रहा है ना, चेहरा पूरा शाइन कर रहा है, अगर डेली लगाऊंगी ना तो चेहरा गजब का चमकेगा। पहचान रहे हैं, ये स्टेशन है, स्टेशन के पास ही मेरा क्लास रहता है। पहले मैं शॉपिंग के लिए स्पेशली यहाँ आती थी, लेकिन अब क्लास भी अटेंड कर सकती हूँ और शॉपिंग भी कर सकती हूँ। आ गई क्लास से और मुझे इतनी भूख लगी है ना मैं बता नहीं सकती, क्योंकि सुबह से सिर्फ फल खाती हूँ नाश्ते में, और दोपहर के 1 बज रहे हैं और पेट ना आवाज़ कर रहा था जब मैं क्लास में थी, तो पेट गुड़ 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 आवाज़ कर रहा था, तो बहुत ख़राब फील हो रहा था। तो आदि तुम्हारा फेवरेट मैं बनाने जा रही हूँ मसाला पुलाव, दही डाल के, ठीक है? और आदि ये लैपटॉप थोड़ा सा साइड कर दो। तो मैं गई थी जब बाहर तो लैपटॉप दे के गई थी, ऐसे क्या होता है कि मैं अपना मोबाइल छोड़ के जाती हूँ, पर आज मैं मोबाइल लेके गई थी क्योंकि आज गिम्बल का प्रैक्टिस करना था अपने मोबाइल से। तो मैं यहाँ पे पुलाव की तैयारी कर चुकी हूँ। आज है वीकली मार्केट, इसीलिए घर में सब्जी हो गई है खत्म, और कोई सब्जी नहीं, बस करेला लौकी है जो कि पुलाव में डलेगा नहीं, और जो घर में जितना सामान है उतना ही सामान से मैं पुलाव बना रही हूँ। गरम मसालों में मेरे पास हमेशा यही रहता है, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, जीरा, धनिया पत्ता थोड़ा सा काट ली हूँ, अदरक लहसुन का थोड़ा सा मैं कद्दूकस कर ली, प्याज है, ये दही में मैं मसाले डाली हूँ इसीलिए, और ये चावल में फूलने के लिए दे दी हूँ, और ये टमाटर काट ली हूँ। कुकर में घी और थोड़ा सा सरसों तेल में ऑयल मिक्स कर दी हूँ, तो और अच्छा लगता देखने में भी और खाने में भी, लेकिन जितना सामान है बस उतना ही। देखिए मैं बाहर से ना सब्जी जल्दी मैं लेती नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो सब्जी का जो रेट है वो 2 से 3 गुना ज्यादा रेट पड़ता है, और जो वीकली मार्केट है वहां से सब्जी बहुत सस्ती मिल जाती है, तो हम लोग अपने बजट के हिसाब से चलते हैं, सब कुछ मेंटेन करके चलना होता है। तो ये गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। मैं इस तरह का मसाला पुलाव सिर्फ 2 बार बनाई हुई है, मैं 3री बार बना रही हूँ, तो 2 बार मैं बनाई तो बच्चों को काफ़ी पसंद आया था, घर में कोई सब्जी थी भी नहीं इसलिए मैं सिर्फ पुलाव बना रही हूँ, भूख बहुत तेज़ लगी थी तो साथ में कोई सब्जी मैं बना नहीं रही हूँ, सिंपल सा पुलाव खा सकते हैं। रायता साथ में बनाने का मन किया पर दही उतना था नहीं कि मैं रायता भी बना सकूँ, तो वो सोची कि नहीं सिंपल पुलाव बना लेते हैं, फिर लौकी और करेले का जो सब्जी है वो मैं डिनर के लिए बना लूँगी। आज मैं सिर्फ अनार के जूस बना रही हूँ क्योंकि बीट और गाजर खत्म हो चुका है, तो आज तो मार्केट है, तो आज मैं 2 kg गाजर और 2 kg बीट मैं मार्केट से लेकर के आ जाऊंगी। 30+ होने के बाद हमें अपनी स्किन की बहुत चिंता रहती है क्योंकि वो जो ग्लो रहता है स्किन का वो जाने लगता है, खासतौर पे 40 के बाद रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर रेगुलर अपने डाइट में फल, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस शामिल करते हैं तो रिंकल्स बहुत लेट से आएंगे, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये अभी के लिए बन रही है करेले की भुजिया, प्लेन है, और ये साइड बन रही है लौकी की सब्जी। सब्जी बना करके जाती हूँ ना कहीं बाहर, तो इस मीनान से जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता, हाँ जल्दी घर आना है, खाना बनाना है, तो अभी मैं ये बना लेती हूँ और फिर मेरे साथ चलिए बाहर, आपको एक जगह लेके चलती हूँ। जितना ज़्यादा हम चलेंगे, जितना ज़्यादा हम दौड़ेंगे, उतना ही बेनिफिट होगा हमारे शरीर के, जो अंदर का इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। खड़े रहते बैठे रहते उससे हमारे अंदर का ऑर्गन का एक्सरसाइज नहीं होता, इसीलिए जितना चलो, जितना दौड़ो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। 7 राउंड आज कर ली, फिर दौड़ लगाई हूँ ग्राउंड का 7 राउंड, धीरे धीरे आदत बढ़ाना है, सोची 20 राउंड तक पहुँचूंगी, और ऐसा 20 राउंड कि 20 राउंड दौड़ूँ और पता भी ना चले कि 20 राउंड दौड़ी, आदत लगाना है मुझे। चलिए 5 से स्टार्ट किए थे, 7 तक पहुंच गए, बच्चे पीछे रह गए आज रेस में। हाँ मेरे पीछे मार्केट देख रहे हैं, मार्केट लग चुका है वीकली मार्केट, तो अभी मैं घर जा रही हूँ, डिनर करूँगी और डिनर करके बाद यहाँ आऊँगी,
ये मार्केट 10:30 बजे तक लगा रहता है, तभी है टाइम। घर पहुंच गई हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज, और कमेंट करके बताइए कि आज का व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।